बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। उसके हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ देखे थे। इस चैप्टर में डिफरेंट रीजंस दी हुई हैं आथर ने कि जो है वो कॉलेज के लेवल पे कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो उनको अपना टारगेट अचीव करने में जो है उनके हर्डल होती हैं। तो फेल, जैसे मैंने बताया था पहले भी, फेल का मतलब सिर्फ फेल हो जाना ही नहीं है कि 3-4 सब्जेक्ट्स में, फेल का मतलब है फेल टू अचीव योर टारगेट। तो हमने 2 रीजंस देखी थी, एक मिस्टेकन एम्बिशन था और एक जो है वो ट्राई ना करना। और ये थर्ड पैराग्राफ में नेक्स्ट रीजन जो है उसकी वो बात कर रहा है, और वो क्या है वो हम देखेंगे। अनदर टाइप ऑफ बॉय हु डज नॉट ट्राई इज द वेरी ब्राइट बॉय who has always done his school work without effort। कि एक ऐसा तालिब इलम जिसने स्कूल में कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं की थी, वो इंटेलिजेंट था, उसने थोड़ी एफर्ट से अच्छे मार्क्स ले लिए या अपना टारगेट अचीव कर लिया। एंड हु हैज़ नेवर लर्न वट रियल एप्लीकेशन इज, और जिसको ये नहीं पता कि असल जो एप्लीकेशन है नॉलेज की वो किस तरह की जाती है। ही सपोजेस that he can float through college, float through, get through, pass करना, target achieve करना with as little effort as he did through school। उसको लगता है कि जितनी थोड़ी effort से उसने school में कामयाबी हासिल की थी उतनी effort से वो college में कर लेगा। I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly, कि वो तालिब इलम, वो लड़का जिसने जो है वो अपनी काबिलियत पे डिपेंड करता है, जल्दी से चीज़ों को कर लेता है, इज़ दी मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल आवर फेलिंग स्टूडेंट्स। तो कहता है ये सबसे काबिल रहम ये केस है तमाम फेलिंग स्टूडेंट्स में से, ये सबसे काबिल रहम एक केस है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी है उसके बावजूद वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता। फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट ए ट्रेजिडी टू सी ऑल ऑफ दिस कीननेस गोइंग टू वेस्ट। कि आप देखते हैं कि ये तमाम जो नॉलेज है, जो जहानत है, कीननेस जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो ट्रेजिडी भी, असल ट्रेजिडी यही होती है कि वेस्ट ऑफ गुड, कि वो है तो इंटेलिजेंट लेकिन वो अचीव नहीं कर पाता या कर पाती। तो दिस इज़ द रियल ट्रेजिडी। एंड टू फील डैट द एंटायर अपॉर्चुनिटी विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर इज़ पास्ड अप बिकॉज ऑफ टू रिसेप्टिव माइंड। कि उसका माइंड बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव है, बहुत जल्दी वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ लेता है कि मैं फ़ौरन से ये कर लूँगा, लेकिन वो एक्चुअल एफर्ट नहीं कर पाता। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अगेन नॉट ईजी। वो कहता है कि इस तरह केस का इलाज जो है ये आसान नहीं है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट है उसको अपना खुद का एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और उसको अपनी नई आदत अपनानी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ, और ये स्टूडेंट खुद ही कर सकता है, उसको खुद करना पड़ेगा। ऑल डैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज़ टू पॉइंट आउट वट इज़ द मैटर। हम सिर्फ स्टूडेंट को बता सकते हैं, टीचर और पेरेंट्स, के आपके साथ ये मसला है, इसका सलूशन उसने खुद ही जो है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट जो बात है जो फेलियर की का बायस बनती है वो है द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, सेहत। और सेहत बेटा दो तरह की होती है, फिजिकल एंड मेंटल, और ये दोनों सही होना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ तलबा फिजिकली जो है वो फिजिकल हेल्थ हिंड्रेंस बनती है उनकी अचीवमेंट में, और कुछ की मेंटल बनती है। वो कहते हैं ना कि साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, तो अगर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, और अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो फिर फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। इज़ ऑलवेज वन ऑफ द रीजंस फॉर फेलियर, तो कहता है ये भी एक रीज़न है। इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज इज़ अवेलेबल इन आवर कॉलेज एंड इफ़ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, तो कहता है कि अगर कॉलेज डॉक्टर जो है उसके दरमियान और जो स्टाफ है टीचिंग का
उसके दरमियान कोऑर्डिनेशन हो, यानी टीचर्स बताएं डॉक्टर को कि ये बच्चा मेंटली या फिजिकली डिस्टर्ब है, एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड। तो बहुत सारे इमेंस नंबर है, ह्यूज नंबर, तो बहुत सारी तादाद में जो इस तरह के फेलियर्स हैं सेहत की वजह से, उनको अवॉइड किया जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है। वाट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट द रीज़न फॉर इनएबिलिटी टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय द बॉय, हिज पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटी, कि वो कॉलेज का जो वर्क है वो सही तरह से कर रहा है या नहीं, तो उसको पेरेंट्स भी देख सकते हैं और कॉलेज की अथॉरिटीज टीचर्स वगैरह भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, कि अगर वो सही काम नहीं कर रहा, अपनी पढ़ाई पर सही तवज्जो नहीं दे पा रहा, द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, और कोई और वजह भी नज़र नहीं आ रही, इट इज़ माई कस्टम, तो राइटर कहता है कि ये मेरी हमेशा से आदत है, ऑलवेज टू आस्क द स्टूडेंट टू अंडर गो थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन, तो मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि वो अपना फिजिकल चेकअप करवाएं, क्योंकि और कोई रीज़न नहीं है तो फिर हेल्थ की ही रीज़न हो सकती है। इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच केसेस द यूनिवर्सिटी फिजिशियन फाइंड्स, तो कहता है कि यूनिवर्सिटी से हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं उनकी बहुत बड़ी परसेंटेज सेहत के मसाइल का शिकार होती है, एंड एडिक्वेट रीज़न फॉर द डिफ़िकल्टी, और ये बहुत एक बड़ी रीज़न होती है उस मुश्किल का, ट्यूबरक्लोसिस टीबी जिसको हम कहते हैं, बैड टॉन्सिल गला ख़राब होना टॉन्सिल, स्लीपिंग सिकनेस इट इज़ अनदर डिजीज़, पुअर डाइजेशन स्टमक ख़राब होना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टी, इसके अलावा मुख्तलिफ जो नफसियाती मसाइल हैं, ज़हनी मसाइल हैं, वो हो सकते हैं, हैव बीन ब्रॉट टू लाइट बाई द डॉक्टर ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, तो कहता है ये बहुत सारे इस तरह के मसाइल्स डॉक्टर सामने ले आए हैं कुछ पिछले चंद महीनों से। टू द अनस्पीकेबल रिलीफ ऑफ द स्टूडेंट एंड एनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी, और इससे स्टूडेंट को भी रिलीफ मिलता है और जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, उनको भी, उनके नॉलेज में भी इजाफा होता है। और कहीं अली बाज़ औक़ात वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन लाइक द फादर हु टोल्ड मी अ फ्यू मंथ्स अगो डैट ऑल्दो वी हैड अरेंज्ड टू हैव हिज सन्स टॉन्सिल्स रिमूव्ड विदाउट एक्सपेंसेस, तो कहता है कि मैं कोई एक बाप से मिला किसी स्टूडेंट के जो ओल्ड फैशन है, पुराने जहन के हैं, तो उसके हमने उनको कहा भी कि हम उसके बेटे के जो टॉन्सिल्स हैं गड़े के, वो बगैर किसी खर्चे के एक्सपेंस के रिमूव करने लगे हैं, ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन, तो उन्होंने फिर भी रजामंदी जाहिर नहीं की, कंसेंट रजामंदी ऑपरेशन के लिए, ही असर्टेड डैट, उसने कहा अल्लाह पुट दोज टॉन्सिल्स इन हिज सन्स थ्रोट, कि अल्लाह ने ही उसके गले में, ये बेटे के गले में टॉन्सिल्स डाले हैं फॉर सम गुड पर्पज़, और इनका कोई अच्छा मकसद ही होगा, यानी इस तरह की सोच के भी पेरेंट्स होते हैं, एंड डैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल, और वो नहीं चाहता कि उनको रिमूव किया जाए, सिंस द बॉय वाज ऑब्जर्विंग टू मच पॉइजन टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क, चूँकि बच्चे का नुकसान हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉइजन ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसका गला ख़राब होता है और वो कॉलेज वर्क नहीं कर पाता, वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम, तो हमें ये कहना पड़ता है कि आप घर चले जाएँ। ऑफ कोर्स सच केसेज आ रहे हैं, कहता है इस तरह के पेरेंट्स बहुत कम होते हैं, बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड द सिंपल फैक्ट डैट देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि सेहत का कोई नेमल बदल सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड डैट हाउएवर सच ए मैन मे नो इट इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू अनलेस ही पोजेसेस द फिजिकल विगर टू ब्रिंग इट टू बियर ऑन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, कि सेहत का फिजिकल विगर, सेहत ताकत का होना बहुत ज़रूरी है आपको दुनियावी मसाइल का सामना करने के लिए, अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए। Nowadays, when most ambitious boys want to go to college, the financial pressure, ये अब नई एक और रीज़न आ गई फेलियर की, financial pressure, यानी कि फाइनेंस का, पैसों का, फीस के हवाले से मसाइल जो आते हैं, इज़ अ वेरी सीरियस वन, तो ये भी एक बहुत सीरियस इशू है। ए फ्यू पेरेंट्स टेक द पोजीशन डैट द बॉय शुड अर्न हिज वे